ये वीकेंड सिनेमा लवर्स के लिए काफी जोरदार होने वाला है। साउथ इंडिया में पोंगल वाले हफ्ते की बड़ी डिमांड रहती है। इस हफ्ते में हर साल कई फिल्मों का क्लैश होता है। पिछले साल थलपति विजय की वारिसु और अजीत कुमार की थुनेवो की भिड़ंत हुई थी। वो बात अलग है कि दोनों फिल्मों को जनता ने देखा, दोनों फिल्मों ने तगड़ी कमाई की। इस साल पोंगल वाले हफ्ते में 8 फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। और विजय सेतुपति पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। मेरी क्रिसमस की कहानी 24 दिसंबर की शाम को घटती है। इस रात कुछ ऐसा होता है जिससे दो लोगों की जिंदगी बदल जाती है। ये एक थ्रिलर फिल्म है। इसे एक हसीना थी, बदलापुर और अंधाधुन जैसी फिल्में बना चुके श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसे हिंदी के अलावा तमिल भाषा में भी रिलीज किया जाना है। दोनों वर्जन में लीड एक्टर्स तो सेम रहेंगे मगर फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट अलग होगी। फिल्म के हिंदी वर्जन में संजय कपूर, विनय पाठक, प्रतिमा कानन और टीनू आनंद काम कर रहे हैं। तमिल वर्जन में राधिका, शरद कुमार, शनमुग राजा, केविन जयबाबू और राजेश विलियम्स उन्हीं किरदारों में नजर आएंगे। राधिका आप्टे फिल्म में कैमियो कर रही हैं। गुंटूर कारा महेश बाबू की मास एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म के टाइटल का मतलब है गुंटूर की मिर्ची। इस फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट किया है। ये एक फैमिली फिल्म बताई जा रही है जिसमें पॉलिटिकल एंगल देखने को मिल सकता है। एक लड़का है जिसे बचपन में ही उसकी फैमिली से बाहर कर दिया गया। बड़ा होने के बाद वो परिवार के साथ रीकनेक्ट करने की कोशिश करता है। ट्रेलर में भरपूर एक्शन और कॉमेडी देखने को मिल रही है। फिल्म में महेश बाबू के साथ श्रीलीला, जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी, राम्या कृष्णन और प्रकाश राज जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। ये धनुष के करियर की सबसे बड़ी पिक्चर है, स्केल और बजट दोनों ही मामलों में। ये पीरियड एक्शन फिल्म है जिसकी कहानी 1930-34 के दशक में घटती है। इसमें धनुष एक ऐसे शख्स का रोल कर रहे हैं जो पहले अंग्रेजों की सेना का हिस्सा था मगर फिर बगावत पर उतर आता है। इस फिल्म को अरुण माथेश्वरन ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। धनुष के साथ इस फिल्म में सुदीप किशन और प्रियंका मोहन जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। पहले चर्चा ये थी कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा मगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल फिल्म का तेलुगु वर्जन सिनेमाघरों में नहीं आएगा। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। इसे एक तरह से ऋतिक रोशन की कोई मिल गया का एडवांस वर्जन कह सकते हैं। ट्रेलर में देखने को मिलता है कि एक एलियन धरती पर आ गया है। वो यहाँ के लोगों से अच्छे बॉन्ड कर रहा है मगर कुछ लोग उसे पकड़ना चाहते हैं ताकि एलियंस के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। इन सब लोगों से बचकर वो एलियन वापस अपने ग्रह पर कैसे लौटता है, यही इस फिल्म की बुनियादी कहानी है। इस फिल्म में शिवा कार्तिकेयन के साथ रकुल प्रीत, शरद केलकर, ईशा कोपिकर, भानुप्रिया जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। ऐलान को आर रवि कुमार ने डायरेक्ट किया है। हनुमान एक पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास कुछ सुपर पावर आ जाती है। उसका कनेक्शन भगवान हनुमान से होता है। उसका सामना एक ऐसे शख्स से होता है जो उसकी शक्तियां छीनना चाहता है। इसके बाद होती है भमाभम लड़ाई। कौन जीतेगा ये तो अक्खा पब्लिक को मालूम है। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत वर्मा ने किया है। फिल्म में तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, विनय राय और वारालक्ष्मी शरद कुमार जैसे एक्टर्स दिखेंगे। ये पंजाबी भाषा की फिल्म है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सिंगर बनना चाहता है। उसमें कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है मगर कुछ कांड होता है और वो जेल चला जाता है। वो जेल से फरार हो जाता है। इस भागदौड़ में उसकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है जो उसकी कहानी को सब तक पहुंचाने का वादा करती है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो पिक्चर देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में युवराज हंस, अदिति आर्या, मोहम्मद निजाम और प्रीतम प्यारे जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। इस फिल्म को सत्यजीत पुरी ने डायरेक्ट किया है। वेंकटेश दग्गुबाती की तेलुगु भाषी फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसकी बेटी को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी के इलाज के लिए वो इंजेक्शन लगेगा जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। ऐसे में वो पुराने काम में वापसी करता है जो कि काफी खतरनाक था। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है। मास फेम नागार्जुन की फिल्म नसामी रंगा आ रही है। ये स्पेशली पोंगल के मौके पर रिलीज करने के मकसद से बनाई गई फिल्म है।
ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है। इसमें नागार्जुन के साथ आशिका रंगनाथ, रसकर ढिल्लों, राज तरुण और अल्लारी नरेश जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। इस फिल्म को विजय बिन्नी ने डायरेक्ट किया है। बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनिंग कंपोजर M.M. कीरवानी ने बनाया है। ये तो हो गई फिल्मों की बात, OTT पर क्या आ रहा है? 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर मनोज वाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा की थ्रिलर सीरीज किलर सूप रिलीज हो रही है। इस सीरीज को उड़दा पंजाब और सोन चुरैया जैसी फिल्म बनाने वाले अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है। तो वीकेंड तो मतलब सेट है। आप इनमें से कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, कौन सी देखने वाले हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी अविनाश ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।